हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने वीडियो में ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में जानकारी देता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं आपको ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब की जानकारी दूंगा और एक नए वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप ये काम उठा सकते हैं पार्ट टाइम या फ्रीलांस या वर्क फ्रॉम होम और अपने लिए एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो के थंबनेल और उसके टाइटल को देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं समझ सकता हूं कि आप पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो आप चाहते हैं वो आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद पूरी तरह जानकारी हो जाए। दोस्तों, हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा है कि ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब हम कैसे करें क्योंकि हमें कंप्यूटर नहीं आता। कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर धीरे धीरे सीखिए और घर में कोई ना कोई ऐसा तो ज़रूर होगा जिसे कंप्यूटर आता होगा और इन वेबसाइट्स पे हर तरह के काम अवेलेबल। अगर हम उदाहरण के लिए डाटा ऑपरेटर का ही काम ले लें तो उसमें कुछ काम केवल कॉपी और पेस्ट का होता है, जो कि घर में कोई भी अगर कंप्यूटर जानता होगा तो आपको एक या दो दिन के अंदर, सच पूछिए तो एक या आधे घंटे के अंदर ही सिखा देगा कि कॉपी और पेस्ट कैसे किया जा सकता है और यहाँ से आप काम शुरू कर सकते हैं। मेरी सलाह ये है कि आप घर में सभी लोगों का एक लिस्ट बनाएं, उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बनाएं, देखें कि कौन आदमी क्या काम कर सकता है और फिर उसी हिसाब से जो आदमी कंप्यूटर पे अच्छा है वो प्रोजेक्ट की बिडिंग करे और निगोशिएट करके प्रोजेक्ट ला और उसको दे दे जो वो काम कर सकता है। साथ ही साथ आप प्लान ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये काम किसी कारणवश जिस आदमी ने परिवार में इसको करने के लिए लिया है वो नहीं कर पा रहा है तो कैसे दूसरा आदमी उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। इस तरह पूरा परिवार मिलकर एक दो काम उठा सकते हैं। अगर परिवार में वाइफ हैं और उसके साथ कोई भाई है जो अनएम्प्लॉयड है तो वो सभी के लिए आप काम ला सकते हैं या कुछ काम आप उठाकर पूरे परिवार के साथ मिलकर कंप्लीट करके अपने घर का इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और जब ड्राई डे यानी कि अगर आप प्राइवेट काम कर रहे हैं और आपका जॉब छूट जाता है या किसी तरह की दिक्कत आ जाती है तो इस काम के बदौलत आप उसे बढ़ाकर और भी पैसा कमाकर और अपने घर का खर्च पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पे, या जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और दो चार दोस्त हैं वो दोस्त भी आपस में एक दूसरे के स्किल्स का लिस्ट बना के, क्वालिफिकेशन का लिस्ट बना के जॉब उठा सकते हैं। एक दोस्त मार्केटिंग के लिए यानी कि प्रोजेक्ट बिड करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए रहे, वो वहाँ से प्रोजेक्ट उठाए, बाकी दोस्त मिलकर उसे कंप्लीट कर लें और एक क्लब की तरह कंप्लीट करके इसे वापस करें यानी सबमिट करें और वहाँ से पैसे कमा के और सभी दोस्त उसे ईमानदारी से बांट कर अपने अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरह आप एक छोटा माइक्रो एंटरप्राइज बना सकते हैं और परिवार या दोस्तों के साथ मिलके या थोड़े बहुत स्टाफ रखकर काम करके बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पे और टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में लगने से जो मैनुअल लेबर है वो कम होता जा रहा है और मैन पावर की कट हो रही है, इसलिए बहुत से लोगों की नौकरी जा रही है। पर ऑनलाइन कई कंपनियों के काम अवेलेबल हैं और हमें अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए, अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए और इन काम को करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि हर युग में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग इकोनॉमी के स्वरूप होते हैं। आज जो कमाने का माध्यम है वो कल नहीं रहेगा और जो कल माध्यम आएगा वो आज नहीं अवेलेबल है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए और समझकर अपने लिए वो काम चुनना चाहिए जो समय के अनुकूल है और समय के अनुकूलता से जीने से हमारा जीवन सुखी होता है। तो दोस्तों, आप भी ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस एंड वर्क फ्रॉम होम के लिए कोशिश कीजिए
अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए। आज जिस वेबसाइट के बारे में हम आपको बात करने जा रहे हैं, उस वेबसाइट का नाम है guru.com। दोस्तों, यह एक इंटरनेशनल वेबसाइट है और इस पे हर तरह के काम अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है, पेमेंट वगैरह बिल्कुल ठीक है और इस पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने आप को इस वेबसाइट पर रजिस्टर करें, वहाँ से प्रोजेक्ट बिड करें, निगोशिएट करें, अपने लिए प्रोजेक्ट लें और उस पर काम करके सबमिट करके एक अच्छी इनकम करें। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हमारे कुलीग मिस्टर नितिन आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना, प्रोजेक्ट बिड करना, निगोशिएट करना और प्रोजेक्ट को सबमिट करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा लाना यानी बैंक अकाउंट को लिंक करने की जानकारी देंगे। तो ओवर टू मिस्टर नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम जिस वेबसाइट पे बात करेंगे वो है guru.com, जहाँ पे आप रजिस्टर करके घर बैठे काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, जहाँ पे ये सारा काम हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हम जानेंगे कि गुरु पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये हम guru.com की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कुछ स्टैटिक्स दिए गए हैं कि यहाँ पे इतने एम्प्लॉय यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं वर्ल्ड वाइड और इतने 1 मिलियन पेड इनवॉइसेस हैं और यहाँ पे कुछ फ्रीलांसर्स जो है इनको इतना पेमेंट जो है पेड हो चुका है और 99% कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट भी इसको इस वेबसाइट पे है। तो आप ब्राउज पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज, आपके पास इसमें से कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो आप यहाँ पे अपनी जो सर्विस यहाँ दे सकते हैं। तो हम चलते हैं कि और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे जानेंगे। तो यहाँ पे ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में दिया गया है, पोस्ट, आप क्या काम करते हो, कैसे हायरिंग होती है और क्या प्रोसीजर है। तो हम चलते हैं इसमें अपने साइन अप करने के लिए। तो यहाँ हम साइन अप के बटन पर हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये फॉर्म जो है यहाँ पे खुल जाएगा। तो आप अपना यहाँ पे नाम डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ ईमेल आईडी डाल दी है और यहाँ पे एग्री के बटन पे क्लिक करके यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना अकाउंट टाइप जो है वो सेलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे फ्रीलांसर हैं तो हम यहाँ पे फ्रीलांस के बटन पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पे पासवर्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पासवर्ड क्रिएट करने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है मेरी मेल आईडी पे 4 डिजिट का कोड आया होगा, वो कोड अब यहाँ पे डालेंगे। ये मैंने कोड अपना यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसी में कहाँ कहाँ पे बसेस आपको दिखाई दे रही हैं, तो अपनी बसेस को सेलेक्ट करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अपने आप यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आप अपना सेट कर लीजिए। मैं सभी इस प्रोसेस को नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करूँगा, मगर आपको ये फिल करना ज़रूरी है। तो जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हमसे यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, तो अपना एड्रेस हम यहाँ पे फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद ये कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जब मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर जो है मैं अपने प्रोफाइल पे आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे अपना प्रोफाइल का जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्किल, एक्सपर्टाइज किस में है आपका क्या आवरली रेट लेंगे, मिनिमम बजट क्या है और आप किस कैटेगरी में यहाँ पे काम करेंगे। तो अब चलते हैं इसका ये फॉर्म फिल करते हैं। टाइटल में डेटा एंट्री ऑपरेटर का डाल दिया है। अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल दी है। अब डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद यहाँ पे कुछ मेरे से स्किल्स पूछ रहा है, वो स्किल्स यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो है इसने मेरे प्रोफाइल से
और मेरे टाइटल से यहाँ पे कुछ स्किल्स ले लिए हैं, तो यहाँ पे आप अपनी आपसे भी यहाँ पे स्किल्स जान सकते हैं, जैसे कि आपको एमएस वर्ड भी आपका एक स्किल है जो यहाँ पे देख आप देखेंगे तो जैसे आपने डाला तो एक सजेशन का ड्रॉप डाउन आ गया, आप इस पर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा एंट्री में हम देख लेते हैं और क्या क्या है इसके सजेशन में, आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा एंट्री के सजेशन जो हैं मेरे को यहाँ पे शो कर रहे हैं। डेटा एंट्री में एक ही सजेशन है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, तो हम अब इसको यहीं पे रखते हैं और यहाँ पे अपने आप कीवर्ड यहाँ पे अपने जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे ऐड करते रहिएगा। तो यहाँ पे आवरली जो रेट है वो USG में डालना है आपने, तो आप यहाँ पे मिनिमम 8 तक डालिए, यहाँ पे लिखा भी है मिनिमम 8। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपका मिनिमम कोई बजट है तो आप अपना मिनिमम बजट भी यहाँ पे डाल दीजिए, और आपको किस कैटेगरी में काम चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है और फिर यहाँ पे पब्लिश का बटन है, इसको पब्लिश नाउ कर देंगे। अब ये जो मैं जो यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो देता हूँ डेटा एंट्री की वो यहाँ पे हमने पब्लिश कर दी है। अब जिसको भी अगर यहाँ पे काम कराना होगा तो वो यहाँ पर आएगा और क्या नाम मेरी यहाँ सर्विस देखेगा, मेरे टाइटल देखेगा और डिस्क्रिप्शन देखेगा, और उसको मेरा अगर प्राइस पसंद आएगा तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एडिट प्रोफाइल का है, हम इस एडिट प्रोफाइल पे जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपने प्रोफाइल पिक यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे प्रोफाइल पिक लगा दी है, और यहाँ पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट दे दीजिए, यहाँ पे टैगलाइन है तो अपना टैगलाइन डाल दीजिए, और आपके बारे में कोई डाल दीजिए, वर्क थीम यहाँ पे डाल दीजिए, अगर यहाँ पे आपके पास कोई फाइल या वीडियो है आपके काम की तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और कोई स्किल है आपका तो आप यहाँ पे, अभी नो स्किल्स हैं तो आप यहाँ पे स्किल्स जो है इस पर क्लिक करके आप इसको टेस्ट करके उसका टेस्ट देके वहाँ पे ये स्किल्स जो है आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं कि अपनी तो हम चलते हैं पीछे और देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें, यहाँ पोर्टफोलियो दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई अगर आपके कोई पास्ट काम किया हो तो आप यहाँ पे उसका कलेक्शन, या आप इसकी वेबसाइट में अगर आप काम करते जाएंगे तो आपका कलेक्शन जो है यहाँ पे बनता जाएगा, या अगर आपने कोई और काम किया है तो आप यहाँ पे प्लस करके इसको डाल भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे जिससे कि हमने यहाँ पे अपनी एक सर्विसेज डाली है उसी तरह से अपनी आप क्या क्या यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं वो डालिए, फिर आपको जिनको काम कराना हो यहाँ पे आके सर्च करेंगे और आपसे इसी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें जाना कि क्या नाम है guru.com में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं और कैसे सर्विसेज यहाँ पे डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझको इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए, या आपको कोई चीज़ पसंद आई हो ना पसंद आई हो या कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं जिससे कि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकूँ। तो हमारे साथ बने रहिए, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मिस्टर नितिन द्वारा समझाए गए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आपने उसको समझ लिया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं, ताकि आपके सवाल से दूसरे लोगों को भी लाभ हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो क्यों पसंद आया ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आप इसे लाइक करें अगर आपको पसंद आया है, और इसे शेयर भी करें उन तमाम लोगों के साथ जिनको अभी पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब की आवश्यकता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, एम्प्लॉयड पर्सन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट। इस तरह आप हमारे मकसद में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देकर उन्हें कमाने के नए नए तरीके बताएँ और इससे हमारे वीडियो से वो लाभ उठा सकें। हमें उम्मीद है कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको सबसे पहले मिले।